रिसेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील साइन की है, जिसके अंडर इंडिया यूएसए से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स एक्वायर करेगा। 31 में से 15 ड्रोन्स इंडियन नेवी एक्वायर करेगी और बाकी 16 में से 8-8 आर्मी और एयरफोर्स। बात करें इसकी टोटल कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट है $3.99 बिलियन, जिसमें ड्रोन्स के साथ साथ उसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मिसाइल्स, GPS स्टेशंस, इनिशियल मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज जैसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बात करें इस डील की जर्नी की, तो हालांकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा MQ-9B अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को प्रोक्योर करने की अप्रूवल लास्ट ईयर जून में दी गई थी, जिसके बाद इंडिया यूएसए की नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई और लास्ट वीक ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा इस डील के लिए क्लियरेंस दी गई थी, जो कि इंडिया के डिफेंस रिलेटेड डिसीजंस के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी है। बट इनको एक्वायर करने का प्लान आज से करीब 10 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। 2015 में जब चाइना ने अपनी नेवी की मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी शुरू की, तो इंडियन नेवी प्लानर्स को लॉन्ग रेंज अनमैन्ड सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि इंडियन ओशियन रीजन पर 2400 घंटे सर्वेलेंस रखी जा सके। हालांकि DRDO भी उस टाइम पर अनमैन्ड सिस्टम्स पर वर्क कर रही थी, बट वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस सिस्टम्स हैं, दैट इज़ आर्चर NG प्रोग्राम, पर नेवी को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। सो इनको बाहर से एक्वायर करने के सिवाय इंडिया के पास कोई ऑप्शन उस टाइम नहीं थी, और नेवी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका के अलावा किसी के पास भी ये सिस्टम, ये ड्रोन्स अवेलेबल नहीं थे। बट उस टाइम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएसए की नॉन ट्रीटी पार्टनर्स को अपने अनमैन्ड सिस्टम्स सेल करने की प्रोविज़न नहीं थी। यूएसए ने इन ड्रोन्स को इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में मल्टीपल ऑपरेशंस में यूज़ किया है, जिसमें हाई प्रोफाइल टेररिस्ट्स को भी न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्रोन अटैक में अलकायदा लीडर अयमान अल जौहरी को मारा गया था, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बाद ये ड्रोन्स काफ़ी हाईलाइट हुए, और एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका इनको हर कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करता। बट इसके बाद आता है चाइना। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, बट चाइना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का एक बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर उभर कर सामने आया, इंक्लूडिंग आर्म्ड वर्जन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे कि ये MQ-9 प्रेडेटर्स। और आर्म्ड ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में चाइना को अपना फ्यूचर चैलेंजर देखकर यूएसए ने 2016 में इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया। 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को MQ-9B का सर्वेलेंस वर्जन ऑफर किया, और इंडिया पहली नॉन ट्रीटी कंट्री थी जिसको MTCR कैटेगरी 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफर किया गया, दैट इज सी गार्डियन मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिकन फर्म जनरल एटॉमिक्स। नेवी का ओरिजिनल प्लान 22 ड्रोन्स का था, बट आर्मी भी क्योंकि कुछ शेयर चाहती थी, बट आर्मी आर्म्ड वर्जन्स चाहती थी जो यूएसए ने टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किए थे। डिस्कशंस आगे बढ़ी और 2019 में ट्रंप ने सर्विलेंस वर्जन के साथ साथ आर्म्ड ड्रोन्स भी इंडिया को ऑफर किए। इसके बाद इंडिया ने ट्राई सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ज्वाइंटली इन ड्रोन्स को एक्वायर करने का प्लान किया, ताकि ओवरऑल कॉस्ट को कम किया जा सके। बट फिर भी इनकी हाई कॉस्ट की वजह से नेगोशिएशंस आगे बढ़ती गई, क्योंकि एक सिंगल MQ-9B की कॉस्ट लगभग $100 मिलियन थी, और यूएसए इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए भी विलिंग नहीं था। सो ये फाइनल नेगोशिएशंस डिले होती गई। इसके बाद 2020 में जब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंडर डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर एक्वायर करने की प्रोविज़न को ऐड किया गया, तो नेवी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर इमिडिएटली 2 सी गार्डियंस यूएसए से लीज पर एक्वायर किए। हालांकि नेवी और आर्मी MQ-9B ड्रोन्स को एक्वायर करने के लिए फुली एग्री थे, बट एयरफोर्स का इनको इंडक्ट करने का प्लान नहीं था। एयरफोर्स का डर था कि ड्रोन्स के लिए इतनी हाई अमाउंट स्पेंड करके फ्यूचर में फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के लिए फंडिंग प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। बट 2021 में फाइनली
तीनों सर्विसेज ने इनको एक्वायर करने के लिए एग्री किया और लास्ट ईयर जून में नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट से पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट की अप्रूवल दी और इस साल फरवरी में यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को इनकी सेल को अप्रूव किया और अभी लास्ट वीक ही इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इन ड्रोन्स की सेल को क्लीयरेंस दी गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन ड्रोन्स की डिलीवरी 3 साल तक स्टार्ट होगी और इनकी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो नेवी इनको INS राजाली और पोरबंदर में डिप्लॉय करेगी और एयरफोर्स और आर्मी द्वारा इनको ज्वाइंटली सरसावा और गोरखपुर में डिप्लॉय किया जाएगा।